यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 3,405 करोड़ रुपए की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। स्मार्ट सिटी के संकल्पना को साकार करने के लिए डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने की आवश्यकता है और नाभारी हो बरेली की जनता जनार्दन का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विश्वास किया और मोदी जी का जो विजन है वही हमारा मिशन है और उस मिशन को आपने अपना आशीर्वाद देकर के श्री उमेश गौतम को यहाँ पर महापौर के रूप में चुना है, इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम में ये 3405 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री बरेली जनपद के लिए स्वीकृत कराए हैं, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं, इनमें सड़क भी है, इनमें स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं और बरेली के विकास, रोजगार और बरेली को वास्तव में नाथ नगरी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने वाली परियोजनाओं के लिए आप सभी बरेली के मतदाता भाइयों और बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर जब चलता है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है, एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है, तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी की परियोजना हो या हर घर नल की परियोजना, आज तो विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं कि जहां भारत के इस नए भारत के दर्शन करते हुए पूरी दुनिया इनसे भूत है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के भी एक नए मानक इस नए भारत में स्थापित किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को जड़ी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने और वह मेरी कहानी, मेरी जुआनी के माध्यम से अपनी सफलता कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे और जिसको योजना का लाभ मिला वह कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन होकर के उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की सारे कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा का पूरा रहा मोदी जी का विजन है, जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।